सवे भवन्तु सुखिन। गुरु वशिष्ठ उपदेश श्री राम को। भाग 6। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। लेख का उद्देश्य जीवन की सार्थकता हेतु निष्काम भाव से सत्कर्म हेतु प्रेरित करना है। यह जन्म लेना क्या होता है? गुरुदेव। मरण। गुरुदेव यह मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोक आते हैं जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलते बिछते हैं, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से आगे चल देते हैं। बिछने वालों का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नए नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वह कई नए नए लोगों के बीच नए नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता रहता है। इसका अंत कहाँ है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं। एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है। परंतु मनुष्य जब तक जिएगा कर्म करेगा ही, वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य। फिर प्राणी कैसे छूटेगा इस माया के बंधन से? तुमने ठीक कहा, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु कर्म जब निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक तो भक्ति, दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा होना। कर्ता होते हुए भी दृष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? लगातार साथ